फोगाट सिस्टर्स पर बनी दंगल ने सभी को अपना दीवाना बनाया और चंडीगढ़ की एक पहलवान ने मूवी देखकर ही मैट पर उतरने का फैसला किया। युवा रेसलर अंजलि ने 2016 में पहली बार फोगाट सिस्टर्स की कहानी देखकर पिता से पहलवानी करने की गुजारिश की। पिता खुद पहलवान रह चुके थे तो वे बेटी को खुद रेसलिंग सेंटर लेकर गए। मनीमाजरा रेसलिंग सेंटर से पहला दांव सीखने वाली अंजलि अब करियर की पहली इंटरनेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए तैयार है। वह रोम में होने वाली अंडर 17 वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेलेंगी। ये उनका पहला इंटरनेशनल इवेंट है। अंजलि का लक्ष्य अब ओलंपिक मेडल है। अंजलि का रेसलिंग करियर ज्यादा लंबा नहीं है। 2018 में उन्होंने पहली बार अभ्यास शुरू किया और 2019 में पहली बार स्टेट चैंपियनशिप खेली। गोल्ड के साथ आगाज किया तो पलटकर नहीं देखा। 2020 में भी गोल्ड मेडल जीता। कुछ महीने पहले पंचकुला में हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी उन्होंने अपने दांव की पहचान कराई और 65 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल हासिल किया। परिवार हर कदम पर रहा साथ। अंजलि के पिता RBI में असिस्टेंट क्लर्क हैं। गांव में पहलवानी भी की। उनके पिता पवन ने कहा एक कि वो मेरे पास आकर बोली मुझे रेसलिंग करनी है। बेटा पढ़ना चाहता था लेकिन बेटी खेलना चाहती थी तो उसे उस ओर भेजा। अंजलि जो करती है पूरे जी जान से करती है। उसने 4 साल में कई मुकाम हासिल किए हैं। अंजलि की डाइट स्पेशल। अंजलि की डाइट स्पेशल। एक दिन में करीब 3 लीटर दूध, रोजाना की डाइट में 200 ग्राम देसी घी, माँ के हाथ का चूरमा भी पसंद, 250 ग्राम ड्राई फ्रूट पीसकर उसका पानी पीती हैं। अंजलि के पिता ने बताया कि वो आम बच्चों की तरह जंक फूड पसंद नहीं करती। उसे कभी इसके लिए बताने की जरूरत नहीं पड़ी। वो खुद ही इसे नहीं खाती। उसे एनर्जी के लिए चॉकलेट खानी होती है तो भी वो मिल्क चॉकलेट खाती है। उसे ड्राई फ्रूट खाना और जूस पीना भी अच्छा लगता है।